दोस्तों बहुत तगड़ी आवाज है जी ट्रैक्टर की। दोस्तों 60 HP का ट्रैक्टर है, आवाज तो होगी दोस्तों। ये स्पीड है जी 1500 चक्करों पर पहले लो में। आप इससे अपना सुपर सीडर वगैरह। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने बहुत ही दमदार ट्रैक्टर है प्रीत 6049। दोस्तों इस ट्रैक्टर को लेने के लिए आपको किसी भी CRDI इंजन या फालतू के 1.5 से 2 लाख भरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा इन लाइन पंप में। अगर आप अदर किसी कंपनी का ट्रैक्टर 55 या फिर 50 HP से ऊपर का ट्रैक्टर अगर आप लेते हो दोस्तों, तो आपको लेना पड़ता है CRDI इंजन, जो कि आपको पड़ता है कम से कम भी 10 लाख से ऊपर का। दोस्तों बात करेंगे शो के बारे में। यहाँ आ जाता जी प्रीत का लोगो, हाइलोजन बल्ब, लाइटें आ जाती, बहुत ही बड़ी सी इसमें जाली आ जाती, ड्राई टाइप का मिल जाता एयर क्लीनर, कंपनी फिटेड आपको इसमें बम्पर भी मिलेगा, और यहाँ दोस्तों आप इसमें नॉन एडजस्टेबल आपको इसमें मिलता है फ्रंट एक्सल। और दोस्तों बात करें पीछे के टायर जो 16928 के और आगे 750 16 के टायर इसमें आपको मिल जाते हैं। प्रीत का लोगो आ जाता जी काफ़ी बढ़िया, और 5 स्टार की बैजिंग आ जाती है यहाँ पर। और दोस्तों सुपर 6049 इसमें दोस्तों आपको 55 से 60 लीटर का डीजल का टैंक, और सबसे बड़ी बात इसमें आपको मिलता है जी ABC गियरबॉक्स, उसकी बाद में बात करते हैं जी। पहले देखेंगे ट्रैक्टर का इंजन, बहुत ही सिंपल सा इंजन है, कोई फालतू चीज़ नहीं लगी हुई, वाटर सेपरेटर पंप और 2 फिल्टर हैं बस। दोस्तों ट्रैक्टर है डबल क्लच में, अगर आप इसको चाहो तो सिंगल क्लच भी ले सकते हो, डबल क्लच में ट्रैक्टर है आपको ये मिल जाएगा जी। दोस्तों सिंगल पीस बोनट और बीच में आ जाता है जी शॉकर। अब दोस्तों बात करते हैं जी इसके ड्राई टाइप एयर क्लीनर प्लस प्री क्लीनर वाला एयर क्लीनर हमें इसमें मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इसका आ जाता है हॉर्न, ठीक है, और उसके नीचे दोस्तों आ जाती है बैटरी, जो कि चोकिंग सेंसर के साथ मिल जाता है दोस्तों आपको एयर क्लीनर, और बैटरी आ जाती है 100 एम्पीयर के आगे, जिसका जो है कि वजन का काम भी करती है और अंदर लॉक में सेफ भी रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर ओवरफ्लो रिजर्वायर आपको मिल जाता है, यानी कि कूलेंट बॉक्स है जो जिससे आपका कूलेंट अपने आप भर जाता है। और यहाँ आ जाता है जी आपका पावर स्टीयरिंग का ऑयल अलग मिल जाता है, जिससे क्या रहता है तेल साफ रहता है, जिससे आपकी जो सील वगैरह वो कटती नहीं है इंजन के गंदे तेल से, जब कई बारी सील कट जाती है, ठीक है जी। और इसके जो पंख हैं दोस्तों वो आपको मिल जाते हैं लोहे के। दोस्तों अगर हम इस ट्रैक्टर के इंजन की बात करें तो ये हमारे को मिल जाता है दोस्तों वाटर कूल्ड इंजन है, बहुत ही दमदार इंजन है, जीटोमेटिक इंजन है दोस्तों, जो जीटर में आया करते थे 5911 वगैरह में, उस तरह का इंजन इसमें मिल जाता है। लंबाई चेक करो जी, बहुत ही बढ़िया इंजन है दोस्तों, और 4 सिलेंडर में है। इसमें बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपके हिसाब से ट्रैक्टर बनाया गया है, अगर आप चाहें तो इसमें उसको 3 सिलेंडर में भी ले सकते हो और 4 में भी ले सकते हो, किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर इस तरह से नहीं मिलता 3 या 4 में, या तो वो 3 में रहता है या 4 में, इसमें आपको ऑप्शन है जी। 6049 आपको 3 सिलेंडर में भी मिलता है और 4 में भी मिलता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो बॉश का इनलाइन पंप इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम जी राइट साइड में। इस ट्रैक्टर में चारों हेड जो हैं वो अलग अलग मिल जाते हैं, जिससे इन केस भगवान ना करे आगे जाकर जरूरत पड़ जाए तो आप इसको एक एक खोल के चेक भी कर सकते हो। अब दोस्तों इसके सलेंसर की बात करें, सलेंसर हमें जो है इसका बाहर मिल जाता है, और 40 एम्पीयर का अल्टीनेटर मिल जाता है दोस्तों, और डबल पंप मिल जाते हैं, पावर स्टीयरिंग का अलग और लिफ्ट का अलग, ठीक है जी। और यहाँ एक फ़िल्टर आया था बड़ा, ऑयल मोबिल इसका लिफ्ट का जो फ़िल्टर है वो लगाया जाता है, इंजन ऑयल का फ़िल्टर जो है वो लगाया था, और 2.5 किलोवाट का सेल्फ आया था ट्रैक्टर में, और डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आता है, और कितनी मोटी रॉड इसमें मिल जाती है, ठीक है जी। दोस्तों बात करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। दोस्तों इस ट्रैक्टर में हमें 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड दमदार इंजन मिल जाता है, जिसकी 60 HP कैटेगरी की पावर और 2200 रेटेड RPM, और इसमें हमें 195 Nm का टॉर्क मिल जाता है दोस्तों, और 4087 cc का इंजन मिल जाता है दोस्तों, ठीक है जी। अब दोस्तों जो ट्रैक्टर का ऊपर का व्यू है कुछ इस तरह का, ऊपर हमें नोब लगी हुई मिलती है जिससे आराम से ट्रैक्टर चला सकते हैं, हाथ वाली रेस यहाँ आ जाती है दोस्तों, और यहाँ लाइट्स वगैरह के जो सिस्टम है वो यहाँ आ जाते हैं, अडॉप्टर हमारा जो है वो यहाँ लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ हमारे जो मीटर वगैरह सारे इसमें मिल गया, बैटरी वाला हो गया, हाई प्रेशर का हो गया जी, डीजल का हो गया जी, सारे मीटर हमें इसमें मिल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक टाइप की हमारे को इसमें जो घंटे जो हैं वो मिल जाते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि इसमें जो साइड शिफ्ट गियर हैं जी 1, 2, 3, 4 और रिवर्स यहाँ जाते हैं, और यहाँ पर हमारा हाई लो मीडियम वाला ट्रैक्टर हमें मिल जाता है दोस्तों। और बात करें अगर PTO की तो 540 और 540 इकोनॉमी PTO हमें इस ट्रैक्टर में मिल जाती है, ठीक है जी। अब ट्रैक्टर की आवाज़ वगैरह जो है वो चेक करते हैं दोस्तों, बहुत तगड़ी आवाज़ है जी ट्रैक्टर की।
का ट्रैक्टर है, आवाज़ तो होगी दोस्तों। पहले इधर से लगा लेंगे पहला, और इधर से देखते हैं जी पहले लो की स्पीड चेक करते हैं। ट्रैक्टर के गियर दोस्तों एक ही लाइन में चलते हैं इसके, ठीक है। दोस्तों ये स्पीड है जी 1500 चक्करों पर पहले लो में। आप इससे अपना सुपर सीटर वगैरह जो है वो बड़े आराम से चला सकते हैं। ये देखो जी अच्छा खासा टर्निंग रेडियस भी मिल जाता है। अब दूसरे लो में चेक करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं जी पहले मीडियम में। दोस्तों ये स्पीड है पहले मीडियम में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया स्पीड है ट्रैक्टर की। अब ये बैक में चेक कर लेते हैं जी एक बार। अब एक बार चेक करेंगे जी लो के पहले में, लो के दूसरे में। दोस्तों 1500 चक्करों पर दूसरे लो की स्पीड है ये। काफी बढ़िया स्पीड है ट्रैक्टर की। आवाज चेक करो, दोस्तों अब बात करेंगे इसकी प्लेट की, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूं डीसी लीवर पीसी लीवर हमारा यहाँ आया था जी, बॉक्स से आया था। बाकी जो चीजें मैं आपको दिखा चुका दोस्तों, इसमें आप लिफ्ट की जो लॉक और स्पीड यहाँ से कम कर सकते हो, जैसे कि आजकल सुपर सीडर का जमाना है, जिसके लिए लिफ्ट कैपेसिटी इसकी बहुत तगड़ी है दोस्तों। उसके पहले मैं आपको एक बार चेक करवा दूँ, 2023 का बिल्कुल नया मॉडल, PTO पावर 365 और 496 इस तरह से लिखी हुई है दोस्तों। और यहाँ SFC 280 ग्राम पर HP के हिसाब से इसकी SFC हमें मिल जाती है। अब दोस्तों बारी आती है जी जो पिछला हिस्सा है इसका, वो चेक कर लेते हैं। ट्रैक्टर बहुत मजबूत बना दिया, जैसे कि आपने आवाज़ सुनी होगी ट्रैक्टर की, बहुत तगड़ी आवाज़ है जी, फराटेदार। प्रीत का लोको एक यहाँ इधर भी मरगाट में मिल जाता है, इधर आ जाती है लाइट वगैरह। और दोस्तों टॉप लिंक यहाँ लग जाती है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल आ जाते हैं दोनों तरफ, एडजस्टेबल लिंकेज और इजी हिच भी आ जाती है इस ट्रैक्टर में। आप अकेले जो इसकी ट्राली वगैरह जोड़ सकते हो बड़े आराम से। दोस्तों पिछले हिस्से की अगर बात करें तो स्ट्रेट टाइप का बुल एंड पिनियन जैसे सिस्टम होता है, या फिर इनबोर्ड रिडक्शन बोल देते हैं कई भाई, ग्रारी इसकी अंदर ही है जैसे, वो सिस्टम है इस ट्रैक्टर में। और तेल में डूबे हुए ब्रेक आपको मिल जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की, इसमें आपको 24 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है, बहुत ही हैवी, जिसके जो आर्म वगैरह जो वो मिल जाते हैं, और जो साइड में जैक सिस्टम है जो वो आ जाते हैं। ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। एडजस्टेबल सीट, बॉटल होल्डर जैसे फीचर आपको इसमें सब कुछ मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है ट्रैक्टर के मेन पॉइंट, यानी कि ट्रैक्टर की कीमत की। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रैक्टर के प्राइस की। ट्रैक्टर का जो प्राइस है दोस्तों, ये बहुत बड़ा ट्रैक्टर है, उस हिसाब से इसका प्राइस कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसका जो प्राइस है साइड गियर ABC में, वो है 7.5 लाख रुपए। और अगर आप इसका सेंटर शिफ्ट लेना चाहते हो, वो आपको मिल जाएगा जी सिर्फ 7 लाख रुपए में, ठीक है जी। और जो ये रेट है, ये है जिला मुजफ्फरनगर यहाँ शामली में ट्रैक्टर जो है ये खड़ा हुआ, यहाँ जो एजेंसी है यहाँ का जो रेट है। क्योंकि मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि क्या रहता है जी, कुछ हमारे भाई कह देते हैं नहीं जी यार यहाँ पे इतने का, यहाँ पे इतने का, हो सकता है किसी जगह पर इससे भी सस्ता हो और किस जगह पर इससे भी महंगा हो। ओके दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।